दोस्तों, मैंने पहले भी आप सभी को बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए बहुत सारे वजीफे बताए हैं, लेकिन आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को कुरान शरीफ के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा और बहुत ही ज्यादा आसान वजीफा बताऊंगा, जिसको पढ़कर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर किया जा सकता है और छोटी मोटी बीमारी तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। वजीफा क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही नॉलेजिबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दुआ कुछ इस तरह से है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। इस सूरह का नाम है सूरह फातिहा। आपको सूरह फातिहा पढ़नी है हर नमाज के बाद और 41 बार सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है, अपने ऊपर फूंक मार लेनी है, या जो कोई रोगी है उसके ऊपर दम कर देना है, उसके ऊपर फूंक मार देनी है। इंशाल्लाह अगर आप इस वजीफे को 41 दिन तक लगातार करते हो तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और अगर आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी है वो तो 3-4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। आपको फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना है और सुन्नतों से पहले इस दुआ को पढ़ना है। तो आप इस दुआ को पढ़िए और फायदा उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना, ताकि हर एक शख्स अपनी बीमारी को दूर कर सके।